आप एक नए बने रूम में बैठे हैं, आप ऊपर देखते हैं तो आपको एक परफेक्ट टाइल सीलिंग दिखती है, और अचानक आप देखते हैं कि इसमें एक टाइल मिसिंग है। फ्रॉम देन ऑन, नो मैटर हाउ ब्यूटीफुल दैट सीलिंग इज, बट यू कांट फुल्ली एंजॉय दैट ब्यूटीफुल सीलिंग जस्ट बिकॉज ऑफ दैट सिंगल मिसिंग टाइल, एंड दैट इज कॉल्ड द मिसिंग टाइल सिंड्रोम। Dennis Prager from Prager University has identified this phenomena, has identified this syndrome, कि जहां पर बहुत सी टाइल्स बिल्कुल ठीक लगी हैं, लेकिन सिर्फ एक टाइल अगर उस सीलिंग में से मिसिंग हो तो हमारा पूरा ध्यान उस एक टाइल पर चला जाता है। हम सबकी जिंदगी में ऐसा कुछ ना कुछ जरूर है जो हमारे पास नहीं है, एंड दैट इज द मिसिंग टाइल इन आर लाइफ। और कहीं ना कहीं उस सीलिंग के तो मिसिंग टाइल को रिप्लेस किया जा सकता है, लेकिन हमारी जिंदगी में कई बार कुछ ऐसी टाइल्स होती हैं जिनको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। कई बार बहुत से रिश्ते पीछे छूट जाते हैं जिन्हें वापस हासिल नहीं किया जा सकता। कई बार बहुत से लोग जिंदगी में से चले जाते हैं, दुनिया से चले जाते हैं, जिनको वापस हासिल नहीं किया जा सकता। कई बार बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा करने के चक्कर में, बहुत बड़ा काम करने के चक्कर में, काम करेंगे सक्सेस मिलेगी इसके चक्कर में हम अपनी उम्र को खो देते हैं जिसको वापस हासिल नहीं किया जा सकता। कई बार हेल्थ पीछे छूट जाती है, कई बार कुछ लोग पीछे छूट जाते हैं, कई बार कुछ दोस्त पीछे छूट जाते हैं। आप यकीन मानिए कि हम सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जो छूट जाती है उस मिसिंग टाइल की तरह, जिसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। बट दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। सो व्हाट द प्रॉब्लम इज, द प्रॉब्लम इज व्हेन वी कॉन्सेंट्रेट, वी फोकस ऑन दैट मिसिंग टाइल। ये सबकी जिंदगी में एक ना एक टाइल मिसिंग है, लेकिन प्रॉब्लम यहां पर आती है जब हम सिर्फ उसी टाइल पर फोकस करने लगते हैं, जब हम सिर्फ उसी चीज पर कॉन्सेंट्रेट करने लगते हैं, और यही पैदा करती है डिप्रेशन को। आज 90% डिप्रेशन सिर्फ एक इस मिसिंग टाइल सिंड्रोम की वजह से है, कि जिंदगी में बहुत सी 100 में से 99 टाइल्स हमारी जिंदगी में मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ एक उस मिसिंग टाइल की वजह से जिंदगी में टेंशन, तनाव, डिप्रेशन, स्ट्रेस और पता नहीं क्या क्या आ रहा है। यकीन मानना, ये जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, जिंदगी जीने का नाम है, जिंदगी कहीं स्टक होने का नाम नहीं है, जिंदगी कहीं रुक जाने का नाम नहीं है, जिंदगी रवानगी का नाम है। और सबकी जिंदगी में कहीं ना कहीं कुछ कमी है, लेकिन उसको पकड़ करके बैठने से, बार बार उस पर फोकस करने से ये कमी बहुत बड़ी लगने लगती है, और लगता है कि जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ ये कमी ही है जिसने हमारी जिंदगी को घेर रखा है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा नजर घुमाकर देखेंगे, अगर आप थोड़ा सा आसपास देखेंगे, तो देखेंगे कि आपके पास बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके लिए बहुत से लोग तरसते हैं। और डेनिस प्रेगर बताते हैं कि जिन लोगों को ये मिसिंग टाइल सिंड्रोम हो जाता है, जो एक मिसिंग टाइल पर फोकस करते हैं, जैसे वो एक एग्जाम्पल देते हैं कि एक इंसान जिसके सिर से बाल गायब हो गए हैं, उड़ गए हैं, जब वो किसी पार्टी में जाता है तो उसको सभी लोग बाल वाले, यानी जिनके सिर पर बाल है, वही नजर आते हैं। एक इंसान जिसकी जॉब नहीं लग रही है, जो उसकी जिंदगी में उसने मिसिंग टाइल सिंड्रोम बना लिया, उसको सारी दुनिया काम करती हुई नजर आती है। जिस इंसान की शादी नहीं हो रही, उसको सभी मैरिड कपल्स नजर आते हैं, और जिसकी शादी हो गई है, उसको बाकी पूरी दुनिया अनमैरिड और हैप्पी नजर आती है। जोक्स अपार्ट, लेकिन ये मिसिंग टाइल सिंड्रोम ऐसे ही काम करता है। जिस चीज के ऊपर हम मिसिंग चीज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने लग जाते हैं, वो हमें पूरी दुनिया में नजर आती है। हमें लगता है कि सबके पास ये है, सिर्फ मेरे पास ही नहीं है। मेरे पास हाइट नहीं है, मेरे पास वेट नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है। अगर आप यकीन माने तो आप देखेंगे कि आपके पास हजारों लाखों ऐसी चीजें हैं जो कि बहुत से लोगों के पास नहीं है, जिसके लिए आपको ग्रेटफुल होने की जरूरत है। तो इस मिसिंग टाइल सिंड्रोम को जिंदगी से निकालने के लिए दो ऐसी चीजें हैं जिसको जिंदगी में शामिल करना पड़ेगा। सबसे पहली ग्रेटफुलनेस, ग्रैटिट्यूड, और इस पर मैंने बहुत से वीडियोस बनाए हैं। आपने ये वीडियो जरूर देखे होंगे, लेकिन अगर नहीं देखे तो फिर से जरूर देखना, कि जिंदगी में शुक्र अदा करना जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत है, जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। और ये चीज हमें कहां से कहां पहुंचा देती है, इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और जो लोग अपनी जिंदगी में ग्रेटफुल हैं, जो शुक्र करते हैं जो चीजें हैं उनका, तो आप यकीन मानिए उनकी जिंदगी में वो मिसिंग टाइल कहीं ना कहीं भरने लगती है। उनकी जिंदगी में बाकी चीजों पर फोकस करते हुए जिंदगी बहुत ज्यादा हैप्पीनेस की स्टेट में जाने लगती है। तो बजाय कि उस मिसिंग टाइल पर फोकस किया जाए ग्रेटफुल होने पर, फोकस किया जाए शुक्र अदा करने पर, फोकस किया जाए जो चीजें जिंदगी में है, जो बाकी लोगों के लिए अभी भी एक बहुत बड़ा सपना है, चाहे वो आपकी हेल्थ हो, चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे आपके पास हैप्पीनेस हो, चलता फिरता शरीर हो, या कुछ भी। ग्रेटफुल होना शुरू कीजिए आज से और अभी से। और सेकेंड थिंग जो इस मिसिंग टाइल सिंड्रोम को खत्म करती है, दैट इज कंटेंटमेंट, बी कंटेंट। आपके पास जो खुशी है वो किसी चीज की मोहताज नहीं है, इस बात को आज अपने दिमाग में बिठा लो। अभी कुछ दिन पहले मैं कहीं ट्रेवल कर रहा था और एक सिग्नल पर मेरी गाड़ी रुकती है, तो मैं क्या देखता हूं कि वहां पर मेरे से आगे वाली गाड़ी में से कुछ लोग आइसक्रीम खा करके आइसक्रीम का जो कप होता है उसे गाड़ी से बाहर फेंकते हैं।
और बाहर बैठे हुए दो बच्चे उस आइसक्रीम के कप को उठाते हैं और यकीन मानिए उसमें क्या बचा होगा, लेकिन फिर भी वो उस आइसक्रीम को ऐसे खा रहे थे जैसे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मिल गई। उस बच्चे के चेहरे पर जो खुशी थी, यकीन मानना वो लाखों करोड़ों रुपए से भी नहीं खरीदी जा सकती। मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि खुशी किसी चीज की मोहताज नहीं है, खुशी कोई गोल नहीं है, ये स्टेट ऑफ माइंड है जिसको अभी के अभी, राइट नाउ यू कैन अचीव दैट स्टेट ऑफ माइंड, अभी के अभी आप खुश हो सकते हो। बहुत से लोग जो खुशी को मेटेरियलिस्टिक चीजों में ढूंढते हैं या ये कल को मुझे मिल जाए, हाँ सक्सेस हासिल करना बहुत जरूरी है, जिंदगी में आगे बढ़ना बहुत जरूरी है, लेकिन खुशी पाने के लिए काम मत करो, खुश होकर के काम करो, जो जर्नी है जो प्रोसेस है उसको एंजॉय करो। आपने ये वीडियो जरूर देखा होगा, अगर नहीं देखा तो मैं रिकमेंड करता हूं कि इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि रियल जो हैप्पीनेस है वो किसी जर्नी में है, वो कहीं पर पहुंचने में नहीं, जो रियल हैप्पीनेस है वो स्टेट ऑफ माइंड है, एंड यू कैन अचीव दैट स्टेट ऑफ माइंड राइट नाउ राइट हियर। जिंदगी की छोटी छोटी खुशियां हर मोमेंट में मौजूद हैं, ये हर पल में मौजूद हैं, और आप चाहें तो अभी के अभी इस खुशी को हासिल कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा ग्रेटफुल हो जाएं, अगर थोड़ा सा शुक्र अदा करना शुरू करें, तो यकीन मानना आपकी खुशी किसी की मोहताज नहीं है, ये अभी इसी वक्त आपके पास है, आपके चेहरे पर है। लाइक नहीं करेंगे चलेगा, कमेंट नहीं करेंगे चलेगा, लेकिन एक छोटी सी चीज अगर आप मुझे दे सकते हैं तो जरूर देना, और वो है आने वाले सिर्फ एक मिनट के लिए ही सही, चाहे सिर्फ और सिर्फ एक मिनट के लिए सही, आपके चेहरे पर थोड़ी सी खुशी, क्योंकि आप फिजिकली बायोलॉजिकली साइकोलॉजिकली अगर आप देखेंगे तो ये खुशी अभी के अभी यहां इस मोमेंट पर आपके पास होगी। आपके चेहरे पर अगर एक हल्की सी मुस्कान ही आई हो और थोड़ी देर के लिए ही सही, अगर आप मिसिंग टाइल सिंड्रोम को अपनी जिंदगी से निकाल पाए तो ये मेरी जिंदगी के लिए एक बहुत बड़ा, मेरे लिए एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड होगा, बहुत बड़ा गिफ्ट होगा कि मैं अपनी बात को ठीक से आप तक पहुंचा पाया। आपकी जिंदगी खुशियों से भरी हो, आई अश्योर यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीस, टन्स ऑफ हैप्पीनेस एंड बंडल्स ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ। बी हैप्पी, बी अलाइव।